नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हौसले और कुछ कर दिखाने के जुनून की कहानी। एक किसान की तीन बेटियां, तीनों बनी लेफ्टिनेंट, एक साथ ज्वाइन की आर्मी। इन तीनों बहनों की सक्सेस स्टोरी इतनी दिलचस्प है कि आप गर्व महसूस करेंगे। रोहतक के किसान प्रताप सिंह देशवाल की दो बेटियां प्रीति जो कि 23 साल की हैं और दीप्ति जो 22 साल की और भतीजी ममता 24 साल की ने ये उपलब्धि हासिल की है। तमाम चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए दो सगी बहनें व एक कजिन सिस्टर ने अब सेना की मेडिकल कोर में लेफ्टिनेंट के पद पर ज्वाइनिंग हासिल की है। बेटियों की इस उपलब्धि पर पिता काफी फर्क महसूस कर रहे हैं। मूल रूप से झज्जर में के रहने वाले प्रताप सिंह देशवाल ने बताया कि हमारे घर में कोई फौज में नहीं है। पहली बार बेटियों ने जब अपनी सोच बताई तो अजीब लगा, फिर जानकर लोगों से सलाह लेकर बेटियों को पढ़ाने का फैसला लिया। पढ़ाई महंगी थी और खेती बाड़ी के सहारे सब मुमकिन नहीं था, लेकिन बेटियों को बेटे की तरह पाला और रात दिन मेहनत कर बेटियों को लेफ्टिनेंट बनाया। देशवाल कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाने से दो घर सुधरेंगे, फिर समाज को एक अच्छा संदेश देने की भी तो थी। वहीं ममता की माँ सुमित्रा ने बताया कि प्रताप सिंह ने ही उनकी बेटी को भी पढ़ाया और सब अब वह सेना में जाकर देश व परिवार का नाम रोशन करेगी। आर्मी मेडिकल कोर में भर्ती होने के बाद अब अलग अलग राज्यों में ज्वाइनिंग मिली है। प्रीति देशवाल कोलकाता में पढ़ी हैं और तमिलनाडु के वेलिंगटन ऊटी में मिलिट्री अस्पताल में काम करेंगी। मुंबई में पढ़ी दीप्ति को यूपी के आगरा में ज्वाइनिंग मिली है। पुणे के आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में पढ़ी ममता को उत्तराखंड के रानीखेत में ज्वाइनिंग मिली है।